दोस्तों इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा Redmi Note 5 Pro वर्सेस Asus का Zenfone, जो भी Max Pro जो भी अभी के अभी लॉन्च हुआ, उन दोनों का कंपैरिजन करता हूं फटाफट से। दोस्तों यहां पर Redmi Note 5 Pro के अंदर आपको मिलता है MIUI, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा लैग होता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं उसकी वजह से। और इसके दूसरी तरफ आपको मिलता है Asus Zenfone Max Pro के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड, यानी यार काफ़ी स्मूथ है, फालतू की एप्लीकेशन आपको इसके अंदर देखने नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये बाजी मारता हुआ दिख रहा है। और दूसरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर निकल कर आती है स्नैपड्रैगन का 636, जो कि दोनों में ही यानी दोनों काफ़ी हाई एंड फ़ोन है अपने प्राइसिंग के अंदर। और यहाँ पर तीसरी चीज़ निकल कर आती है कैमरा, तो यहाँ पर भाई फ्रंट कैमरे में जीतता है Redmi Note 5 Pro, जिसके अंदर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आपको बोके इफेक्ट करके दे देगा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है Max Pro के अंदर। तो यार यहाँ पर थोड़ी नीचे आने वाली बात है, लेकिन इसके दूसरे रियर में अगर आप जाएंगे तो रियर में आपको मिलता है Note 5 Pro के अंदर 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर दोनों में ही डुअल कैमरा है। और इसके Max Pro के अंदर आपको मिलता है 20 प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा। इसका मतलब यार रियर के अंदर आप काफ़ी अच्छी फोटोज़ खींच पाएंगे, इसका मतलब सेल्फी वाला स्मार्टफोन नहीं है। और यहाँ पर आप निकल कर आते हैं डिस्प्ले की बात है, दोनों ही डिस्प्ले ये मतलब मैं पहले Redmi Note 5 Pro की बात करूँ तो यहाँ पर 6 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है 18:9 वाली फुल HD प्लस की डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है। और दूसरी तरफ Zenfone Max Pro के अंदर आपको मिलती है सेम बिल्कुल से ही फुल HD प्लस 6 इंच की डिस्प्ले 18:9 वाली, यानी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है। अब भाई यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्लो है Zenfone Max Pro का, और यहाँ पर Redmi Note 5 Pro का फिंगरप्रिंट फास्ट है, लेकिन Zenfone ने कहा है कि वो उसे मतलब फिक्स कर देगा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि हल्का सा लैग है अगर आप तो भी मतलब यार इसको इग्नोर किया जा सकता है, उन्होंने कहा है कि फिक्स कर देंगे। अब यार यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आती है Redmi Note 5 Pro के अंदर, आपको बैटरी काफ़ी कम देखने के मिलती है, 4000 mAh से भी कम बैटरी देखने के लिए मिलती है, लेकिन Zenfone Max Pro के अंदर फ़ोन काफ़ी स्लिम है। मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो यार वहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी स्लिम है। तो ये काफ़ी मतलब प्लस पॉइंट मिलता है Redmi Note 5 Pro को नहीं खरीदना है, अगर आप तो इसको खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है डिज़ाइन दोनों का ही सेम है, लेकिन यार यहाँ पर Redmi Note 5 Pro थोड़ा सा हल्का सा मोटा थोड़ा दिखता है इसके Zenfone Max Pro के मुकाबले में, इसलिए यार Zenfone Max Pro यहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर रैम और रोम की बात की तो दोनों में 4GB 64GB दोनों ही सेम वेरिएंट है। तो यार यहाँ पर प्राइस बता देता हूँ, Redmi Note 5 Pro आपको तकरीबन 14000 में मिल जाएगा, मार्केट में आपको 1000 ज़्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि यार MI का बोलबाला है। और यहाँ पर Zenfone Max Pro को आप खरीद सकते हैं सिर्फ 13000 रुपये में, जो कि फिक्स किया है, यानी यहाँ पर अगर आप Zenfone Max Pro को ले तो यार काफ़ी अच्छा फ़ोन है। वहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने मिलते हैं, मतलब कि यार अपडेट्स काफ़ी है, फटाफट आएंगे। तो मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि यार आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मेरे तरफ से यार आपको हार्डली रिकमेंडेड रहेगा कि यार आप इसको Zenfone Max Pro लो। तो यार फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यार टेक अपडेट्स और अनबॉक्सिंग सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, इसलिए चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो, और इस वीडियो कर दो शेयर सभी लोगों को, ताकि सभी लोग आगाह हो जाएं कि यार Redmi का Note 5 Pro मत खरीदो, आ गया उसके टक्कर में दूसरा फोन, और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।